तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ आंबा का बगीचा में, और ये आंबा का बगीचा मेरा जीजा लोग का है। तो मैं आ गया हूँ आंबा का बगीचा में घूमने के लिए, और एक आम हम खा भी दिए, और आम खा रहे थे उसका वीडियो नहीं बनाया, लेकिन एक आम खा दिए। इतना बड़ा बड़ा आम फला है, देख रहे हो यार, इतना बड़का बड़का आम। लेकिन ये आम सब कच्चा है, इसको कहते हैं कालमी आम। और इधर भी देख सकते हो, इतना सारा आम का पेड़ है। ये एक है, यदि दो है, दोनों पेड़ में आम फला है। ये आम पेड़ का आम दिखाते हैं हम, यहाँ का एक आम तोड़ के खाए थे। ये आम देख सकते हो कितना मस्त दिख रहा है, पूरा बड़ा सा लंबा सा, इतना मस्त देख रहे हो यार। इधर भी फला है इधर, लेकिन सब कच्चा कच्चा आम सब है। हम कहाँ से तोड़े थे, यहाँ से तोड़े थे, एगो यहाँ पर लटका था, एगो तोड़ दिए और खा दिए। और अभी तो है ही, देख सकते हो इतना सारा आम। तो अभी ना 10 भी नहीं बजा है, लेकिन धूप ऐसे दे रहा है ना, जैसे कि लग रहा है आप लोगों को देख के लग रहा होगा 12 बज गया होगा, ऐसा नहीं है यार। अभी तो 10 भी नहीं बजा, 8 बजकर कुछ मिनट हो रहा है। तो अभी मैं आंबा का बगीचा में हूँ, और आम सबको देख रहा हूँ यार, सबको थोड़ा खाऊंगा यार, तो पर पका भी नहीं है, पका आम खोज रहे थे, लेकिन सब तो कच्चा कच्चा आम सब है, तो कच्चा आम सबको ही खाएं। और अभी वापस जाएंगे घर की ओर, तो चलो गाइस चलते हैं। और इधर देख सकते हो आम भयानक फल है, देख रहे हो पूरा बड़का बड़का लंबा लंबा। और इधर अदे ये वाला आम पेड़ में तो फल भी नहीं किया है, मतलब कि कुछ कुछ पेड़ सब में फला है, कुछ कुछ पेड़ सब में नहीं फला है। जैसे कि इस आम पेड़ में नहीं फला है, और इस आम पेड़ में एक दो को फला है, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। जैसे कि ये देख सकते हो, जूम करके दिखाते हैं, कहाँ गया ये देख सकते हो, ये पका है जैसे दिख रहा है, लेकिन कच्चा है। कालमी आम तो इसको कहते हैं, देख रहे हो इतना लंबा इतना बड़का, देख रहे हो यार, ओ भाई साहब। और देखो हम लोग, अरे कहना क्या चाहते हो। और ये देख सकते हो आम का पेड़ में, ये देमता का पोटोम, इसको अरे यार देमता पोटोम है क्या, ये देख सकते, देमता पोटोम तो है, देमता भी है, देख सकते, इसको हम लोग देमता बोलते हैं। आप अपना भाषा में क्या बोलते हो कमेंट करके बताना। और बहुत कोई तो हिंदी में बोलता है लाल चींटी, लेकिन हम लोग का भाषा में बोलते हैं देमता। और ये देख सकते हो गजब वाला हल यार, गजब टाइप का हल है, लेकिन ऐसे हल तो नहीं बनाता है, अरे अलग सिस्टम वाला हल है। और यहाँ देख सकते हो इस समय ना करला रोपा था, करला अभी इधर देखो, करला का मतलब कि पौधा सब है ही, करला सब तो पक पक गया, इधर देखो पक पक गया, ये देखो करला तो पक गया, काहे कि तोड़ता ही नहीं है, तो इसीलिए। तो चलो अभी तो मैं घर की ओर जा रहा हूँ, धूप भी भयानक दे रहा है, चलो चलो चलते हैं। और एक चीज दिखा है मेरा बैकग्राउंड में, देखो बैकग्राउंड मतलब पीछे में देखो, बहुत दूर 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 पहाड़ सब दिखता है, पूरा भयानक भयानक। और इधर ना अधिकतर ना पहाड़ सभी देखने के लिए अच्छा लगता है, और ऐसे तो जंगल झुंड ज्यादा इधर है नहीं, जंगल झुंड है लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता है जंगल झुंड सबको देखने, लेकिन पहाड़ पत्थर चट्टान पूरा मस्त मस्त जगह है इधर। कभी घूमने जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इस बार तो आए हैं तो इस बार नहीं घूमेंगे, अगले बार और कभी आएंगे तो घूमेंगे तो दिखाएंगे। अच्छा यहाँ से ही जूम करके दिखा देते हैं, देख रहे हो ये पेड़ तो छेक दिया है, पीछे देख सकते हो चट्टान ही चट्टान। और एक चीज यार हम देख रहे हैं, मतलब लड़की सब, मतलब कि गुया सभी, हम गुया गुया बोलते हैं सब लोग को, सब लोग को नहीं, जो गुया नहीं लगती वो सबको भी गुया गुया बोल देते हैं। तो उधर ना क्या बोलते हैं, बैला सब चराने के लिए आई है, इतना धूप और बैला चराने के लिए आई है यार, समझ रहे हो। मैं तो नहीं चराता, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ जो देख रहा हूँ उसके बारे में बात कर दे रहा हूँ मैं। तो मुझे तो भयानक धूप लग रहा है यार, मैं तो भाई घर जा रहा हूँ। रास्ता देख रहे हो, रास्ता ऐसे है कि खुद का रास्ता बनाना पड़ता है यार, रास्ता चलने के लिए। और मैं चप्पल पहन करके चल रहा हूँ, क्योंकि कौन यार खाली पाँव चलेगा। तो हम लोग का गांव में ना ऐसे पोरा का माचा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इधर घर घर पोरा का माचा देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो। तो देखो घर को कैसे सजा दिया गया है, मतलब कि इस घर को सजाया गया है, आज इस घर का गृह प्रवेश होने वाला है, तो वीडियो देखते रहो मैं दिखाऊंगा। क्या खा रही हो? पूरी खा रही है। अभी मैं आ चुका हूँ घर, फाइनली पहुँच चुका हूँ, मतलब कि ये देख सकते हो आज घर का पूजा है ना, है आज होगा गृह प्रवेश, देख सकते हो सजा दी है कितना मस्त। लेकिन क्या कौन सजाई, बैलून नहीं फुलाई है को? ये बैलून बहुत अच्छा फुलाती है, लेकिन एक भी बैलून नहीं फुलाई का। एनसी पूरी खाने में व्यस्त है, अब भी ना अच्छा दिखेगा पूरा वाइड एंगल, ऐसे वीडियो बनाने अच्छा तो लगता है, लेकिन ना धूप में ऐसे वीडियो बनाते हैं ना तो लाल लाल दिखता है, इसलिए वाइड एंगल में अधिकतर वीडियो नहीं बनाते हैं, कभी कभी बनाते हैं वाइड एंगल में वीडियो, जैसे कि अभी बना रहे हैं, देख सकते हो ये पूरी खा रही है, पूरा दिख रहा होगा। हैं ऐसे तो मैं ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ काम कर भी रहा था, जैसे कि अभी मैं देख सकते हो डब्बा में तेल पकड़ा हूँ और तेल लेकर के जा रहा हूँ, क्योंकि
आज बन रहा था मीट, मीट बन रहा था ना, तो तेल लेकर के जा रहा था मैं। तो गाइस अभी मैं नहाने आया हुआ था इधर आंबा बगीचा की ओर, यहाँ पर एक कुआं है, यहाँ पर मैं नहाने आया था, लेकिन अभी ऐसा हवा आ रहा है, ऐसा हवा आ रहा है जैसे कि लग रहा है अभी बारिश होने वाला है। सो गाइस अभी थोड़ा देर पहले बारिश तो हुआ, जैसे कि मैं बोल रहा था बारिश होने वाला है, मतलब कि होबे करेगा जैसा लग रहा था, क्या कि हवा धुका आ रहा था ना, तो बारिश हो गया। और देखो इस पत्थर से पानी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो हम नहा भी लिए, अभी जा रहे हैं फिर घर की ओर। देखो मैं इधर आया हुआ हूँ और अकेला अकेला घूम रहा हूँ, तो अकेला ही हूँ और वीडियो बना रहा हूँ, और मैं अकेला ही नहाने आया था। तो यार मैं अपना लाइफ स्टाइल आप लोगों को दिखाने ना मुझे अच्छा लगता है, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, वो सबको मुझे बताने अच्छा लगता है, किधर धूप आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो इसीलिए मैं अपना ही बात सबको बताते रहता हूँ कि अभी मैं इधर आया हूँ, अभी वहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मजा आता है ऐसे वीडियो बनाने। तो चलो चलते हैं घर की ओर, और आज कुछ प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम का नाम क्या है, मतलब कि गृह प्रवेश, मतलब कि नया घर का उद्घाटन किया जा रहा है, तो आज पार्टी होगा, और पार्टी में क्या खाने देगा वो दिखाएंगे, तो फिर चलो चलते हैं। और इधर देख सकते हो ये बगान में क्या रोपा गया है, बिलाती, बिलाती और उधर मिर्चा सब है, और इधर कहाँ का रोपा है देख सकते हो। नमः परिवार सेवा न लगे योजना गोठे, ईश्वर तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया है। हाँ प्यारे खुदावन, ये दोनों बेटियों के प्राण आत्मा को प्यारे परमेश्वर नया जीवन देने के लिए लाखों लाख तुझी को धन्यवाद देते हैं। और प्यारे खुदावन हम मंडली के तमाम प्रिय विश्वासियों को हम तेरे दया कृपा हाथ में समर्पित करते हैं। तू स्वर्गीय सिंहासन विराजमान परमेश्वर, तू अपने दूतों के संग इसी समय में प्रकट हो। अरे बाप रे इतना भीड़, हटबो नहीं कर रही हो, उसा पूछा पीछे वाला सब नहीं, जैसे कि आप मेरा अभी बात सुने कि मैं बोला मेरा फैशन है वीडियो बनाना, बहुत कोई ऐसे पूछता भी है ना कि तुम ऐसे वीडियो बनाता क्यों है, तो मैं बताता हूँ मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा फैशन है, मतलब कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे वीडियो बनाना। तो मैं बोल रहा था क्या क्या खाने देगा तो मैं दिखाऊंगा बोला था ना, देख सकते हो सलाद दिया है और मीट है और सब्जी है, दाल है, और ये उधर से खोपरी बोलते हैं, और पानी भी है देख सकते हो। अभी आप मुझे देख करके तो सोच रहे होंगे कि ये बैठा क्यों है जबकि डांस कर रहा है आगे वाला आदमी सब, तो इसको भी डांस करने जाना चाहिए था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं सिर्फ डांस देख रहा था। डांस बहुत देख लिए, अभी मैं भी डांस करने जाऊंगा, है फुल मस्ती करने वाला, और वाह देखो डांस। अरे रुको रुको रुको, सुनो मेरा बात थोड़ा सा सुन लो, अभी मैं अपने घर में हूँ, मतलब कि मेरा घर में हूँ, और अभी जो पहले आप वीडियो देखे हैं, अभी डांस कर रहे थे हम लोग, और डांस करके खत्म हो चुका है, और प्रोग्राम कब का खत्म हो गया, लेकिन आज मैं वीडियो एडिट किया, उसके बाद इस वीडियो को मैं अपलोड किया, और आप लोग देख रहे हो, क्योंकि मैं बहुत दिन के बाद इस वीडियो को अपलोड किया, और कारण यह है कि मेरा फोन ना हैंग आ रहा था, मतलब कि मेरा फोन में जिस फोन में मैं वीडियो एडिट करता हूँ जिस ऐप से, और वो ऐप मतलब कि हैंग आ
जा रहा था, मैं किन मास्टर से मैं एडिट करता हूँ। और भी ऐप है, उस ऐप से आपका नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन और भी ऐप है उस ऐप से मैं एडिट करता हूँ। तो ऐप में जब एडिट कर रहा था ना मैं, अचानक मतलब कि वीडियो हट जा रहा था, अचानक मोबाइल ऑफ हो जा रहा था, अचानक ना जाने का हो जा रहा था। इसीलिए मतलब कि मैं वीडियो एडिट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अपना फोन को लोड नहीं देना चाहता था। लेकिन इतना दिन हो गया ना, इसीलिए आज बहुत दिन के बाद इस वीडियो को अपलोड किया और अपलोड कर दिया, आप लोग देख रहे हो। तो अगला जो वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा, शायद वो शादी से रिलेटेड वीडियो होगा, या फिर मैं वहां गया था मुरै टोली से, जब मैं घर आया तो कैसा मैं घर आया, क्या मैं आया बस में आया तो कैसा आया, मेरा सफर कैसा रहा, उस वीडियो को भी मैं अपलोड करूंगा। अभी तो एडिट कर ही रहा हूं। तो इस वीडियो को आपने देखा, अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर दो। और आजकल मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, और क्यों बढ़ रहा है, आप जो नए सब्सक्राइबर हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है आप लोग कहाँ मेरा वीडियो देखें, इसके बाद इस व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब किए, इसके बाद इस वीडियो को देख रहे हो का दोस्ती मन, सही कहा था। तो चला आज का वीडियो है जगह, मतलब कि आज का वीडियो है जगह एंड करते हैं, मतलब कि आज का व्लॉग, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।